ये बाबा जी का दरबार है, बाबा भूतनाथ जी हैं। देखिए मैं बाबा भूतनाथ हूँ और ये लोग हमारे शिष्य हैं, चक्रवर्ती रहना चाहिए और जिनकी श्रद्धा भाव मेरे प्रति है और मैं पूरे भारत में माँ के आशीष कृपा से लोगों का कल्याण करूँगा और माँ का भक्ति बताऊँगा, क्योंकि माँ का भक्ति ही सर्वोपरि है। जो प्राणी माँ की भक्ति करेगा और रोगों से मुक्त हो जाएगा, कष्टों से मुक्त होगा, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। माँ की भक्ति करने वाला ही व्यक्ति का कल्याण होगा और जो है सकी कि माँ से ही जन्म हुआ है और माँ के सारी दिन जाना है, प्राकृतिक ही माँ का स्वरूप है। ये संसार ही माँ बनाया, शिष्य करता माँ है, इसलिए सारे प्राणी को जो है माँ की भक्ति करना चाहिए और माँ की भक्ति में बड़ी आनंद है। अब माँ का भक्ति करना पड़ेगा और जो भी श्रद्धा भाव से माँ के सानिध्य में आएंगे उनका कल्याण होगा। और किसी भी प्रकार का कष्ट है तो पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर एक बार सेवा का मौका दें। और बहुत सारे लोग हैं, संत है, बाबा है, लेकिन लोग जो है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए जब तक सही जगह पर कोई आएगा नहीं, कल्याण नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि माँ की भक्ति करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि माँ के भक्ति बिना ही संसार अधूरा है। मैं बार बार कहूँगा, करोड़ों बार कहूँगा कि माँ ही है जो नैया पार लगाएगी, बाकी क्या है। मनुष्य धर्म पढ़ के अपने समय को नष्ट करेगा, वे फजूल में अपने समय को नष्ट करेगा। बहुत सारे महात्मा हैं जो गाड़ी मोच में बढ़ गई है, उनसे मैं कहता हूँ कि कंठी जवानी में देखनी बुढ़ारी मोर उम्र बीत गई कहानी, और जो भक्ति करते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति करना होगा। सीधे जो है सो कि दाढ़ी बढ़ा लेने से और माला पहन लेने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हृदय को साफ करना होगा और माँ की आराधना करना होगा, तभी जाके कल्याण होगा। अच्छा कार्य के लिए अच्छे संत की जरूरत है। एक बार सेवा का मौका दीजिए। बाबा भूतनाथ आश्रम बारह चित्र।